जिंदगी बहुत ज़्यादा छोटी है, बट इस छोटी सी जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट बनना, हमें सीखनी होगी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हर कोई इंसान नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ टोटल ऐसी करीब 7 से 8 टिप्स जो आपको जिंदगी में हर एक चीज़ में एक्सपर्ट बनने में मदद करेगी। एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, यस बी एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, हर एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओ, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हवाई जहाज चलाना हो या फिर सबमरीन चलाना, या स्विमिंग हो या ड्राइविंग, ईच एंड एवरीथिंग में आपको मेरी ये वीडियो देखकर आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे इफ यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स टू बी एन एक्सपर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। स्कॉट जम नाव का एक लड़का था, उसने इंजीनियरिंग यूट्यूब की वीडियोज देखकर और MIT के फ्री बोनस वीडियोज देखकर MIT की वेबसाइट से इंजीनियरिंग कर ली। वो इक्वेशन सॉल्व कर देता था जो MIT के स्टूडेंट्स भी नहीं कर पा रहे थे, बट उसने करके दिखाया। हाँ, उसके पास डिग्री नहीं थी, बट उसके पास इंफॉर्मेशन थी, उसके पास नॉलेज थी। और वो नॉलेज कैसे लेकर आया? वो नॉलेज लेकर आया उस चीज की तरफ बढ़ के उसको सीखने की चाह से। उसने वीडियोज देखी यूट्यूब पर, MIT के बोनस वीडियोज देखे और अपने आप को इंजीनियरिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। विदाउट डिग्री एक इंजीनियर, वो भी MIT लेवल का इंजीनियर बनना दुनिया में बहुत ज्यादा टफ है। दिस इज वन पॉइंट, वन एग्जाम्पल। आगे आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देने वाला हूँ, बट ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप भी अपने आप को कैसे तब्दील कर सकते हैं एक मास्टरमाइंड में। उसके लिए नंबर वन टिप है मेटावर्स। यस, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो जरूर इसको नोट कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ऑफ कायम होने वाली है जो आपको ऐसे मेथड्स बताएगी जो आपको जिंदगी में हर एक आर्ट को सीखने में मदद करेगी। वो इंसान स्कॉट यंग सिर्फ यहाँ पे नहीं रुका, उसने उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज सीखी, नॉर्मल पेंटिंग से लेके एक एक्सपर्ट पेंटर बनाने तक, पेंटिंग बनाने तक उसने वो पूरी प्रॉपर पेंटिंग सीखी। ये सारी चीज़ें, ये सारी कलाएँ उसने अपने आप सीखी, उसके पास कोई ट्यूटर नहीं था, बट उसके पास क्या था? उसके पास था मेटा लर्निंग। यस, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेटा लर्निंग के जो है टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, और वो कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट मेटा लर्निंग का जो सबसे पहला पार्ट है, दैट इज नोन नोन, ये हो गया नंबर वन। सेकेंड नोन अननोन, थर्ड अननोन नोन, फोर्थ अननोन अननोन। आखिर ये 4 कॉन्सेप्ट है क्या, और इतना ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों साउंड कर रहा है? तो आप वन से स्टार्ट करते हैं। नोन नोन, नोन नोन का ये मतलब होता है कि जो चीज़ें आप जानते हैं, यानी कि अगर मैं आप हर चीज़ को समझ सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपको खाना खाना, ठीक है, उसके बाद आपको TV देखना आता है, रिमोट से आपको चैनल चेंज करना आता है, क्रिकेट खेलना आता है, पढ़ना आता है, ये सारे नोन नोन प्रैक्टिस में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं नोन अननोन। अब नोन अननोन क्या है? नोन अननोन का मतलब ये होता है कि समझ लो कि आपको कोई चीज़ पता है, ठीक है, कि हाँ ये जहाज है, ये उड़ता है, लेकिन कैसे उड़ता है ये आपको नहीं पता है, राइट? तो दैट इज नोन अननोन। अब आ जाते हैं अननोन अननोन में। अननोन अननोन में ऐसी चीजें आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये नहीं पता होगा कि साइंस में 12th की क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ये तो सब्जेक्ट की क्या डिटेल्स है, ये चीजें आपको नहीं पता होगी, तो वो आ जाता है अननोन अननोन में। अब वो आ जाता है अननोन अननोन में, करेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ अननोन नोन क्या है। अननोन नोन का मतलब ये होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है, लेकिन वो आपको पता है। कैसे आपको पता नहीं है बट वो चीज़ आपको पता है? फॉर एन एग्जाम्पल, यू डोंट नो स्विमिंग, बट एक इंडियन होने के नाते हम लोग पानी में भी तैरना भी हमें आता है, और उसके बाद हमें नहीं तैरना भी आता है, बट डिपेंड करता है कि आप उसको सीख सकते हो कैसे, आप उसको कैसे सीख लो। चीज़ों को भूल जाते हैं भाई, आपको पता है वो चीज़, लेकिन आपके ध्यान में नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल देता हूँ नोन अननोन का, अननोन नोन का, कि आप कार चला रहे हो या आप बाइक चला रहे हो, लेकिन आप भूल जाओ कि आप कार चला रहे हो, राइट? हमारा सबकॉन्शियस माइंड कार चलाने लग जाता है, हमारा ध्यान कहीं और ही है, हम बाइक चला रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, लेकिन बाइक चल रही है ना अपने आप। आपको एनी टाइम ध्यान पे तो नहीं रखना पड़ता है कि भाई मैं एक्सेलरेटर दे रहा हूँ, अब मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, मैं क्लच दबा रहा हूँ, ये तो आप एनी टाइम नहीं करते हो, वो सब कॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली होने लगता है, लेकिन आपका ध्यान क्या है कि मैं हाँ वहाँ मुझे जाना है, ये काम करना है, वहाँ जाने के बाद मुझे इतना लिखना होगा, ये करना है, एक्सपेक्टेड कोई भी काम हो उस पर फोकस है, लेकिन गाड़ी अपने आप चले जा रही है और अपने आप मुझे पता है कब एक्सेलरेटर देना है, कब ब्रेक दबाना है, राइट? तो दैट कम्स इनटू अननोन नो।
अब अननोन अननोन क्या है कि मुझे कुछ पता नहीं है किस चीज़ के बारे में कि भाई स्पेस में क्या हो रहा है, कौन से ग्रह कोई और है जहाँ पर लोग है कि नहीं है, दैट इज अननोन अननोन। अब हमें क्या करना है, जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप समझ लो कि आपको एक एक्टर बनना है लेकिन आपको पता नहीं एक्टर कैसे बनना, तो दैट इज अननोन अननोन। तो हमें क्या चीज़ करनी है जिससे हम इस चीज़ पर विजय प्राप्त कर सके, हमें करना है कि हमें अननोन अननोन को नोन अननोन में लेकर जाना है। अननोन अननोन को नोन नोन में कैसे लेकर जाएंगे, समझ लो आपको एक्टिंग करनी है तो आपने यूट्यूब की वीडियो चलाई, रैंडमली आपने तीन चार चार पाँच वीडियोस देखी, आपको समझ में हल्का फुल्का आ गया कि भाई एक्टिंग करने के लिए भाई नॉर्मल्स होने चाहिए, एक्टिंग करने के लिए हमें मिरर के सामने एक्टिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, या मॉडलिंग करने के लिए हमें वॉक करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको पता नहीं है कि वॉक कैसे करना है, कितने स्टेप्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, क्या पेस होना चाहिए उसका, एक्टिंग में आपको पता नहीं है नॉर्मल्स वॉक कौन से होते हैं, हर रस का भाव क्या होता है, मुश्किल क्या होता है, पता नहीं है। लेकिन नाउ यू नो कि इसमें ये चीज़ें होती है जो मुझे सीखनी है या मैं सीख सकता हूँ अगर थोड़ा रिसर्च करूँगा तो नाउ दैट कम्स इनटू अननोन अननोन से नोन अननोन, मतलब थोड़ा बहुत हमें जानकारी हो गई है। तो हम अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी फील्ड के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं तो अननोन अननोन उठा के नोन अननोन में घुसाना पड़ेगा ही। समझ लो हमें अगर एविएशन में जाना है, हमें पायलट ही बनना है एक एग्जाम्पल में ले लो, तो पायलट बनने के लिए हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर हम दो चार वीडियोज ही देख लें, एक दो बुक्स के थोड़े से इंडेक्सेस पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या स्टडी करनी होती है, तो नाउ यू नो एटलीस्ट कुछ तो पता है तुम्हें कि भाई पायलट बनने के लिए क्या करना होता है क्या नहीं करना पड़ता है, तो एटलीस्ट आपको वो रास्ता पता चल गया कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। एक बार वो पता चल गया ना, उसके बाद आप उसको सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हो वो आपको अननोन अननोन से नोन अननोन तक ले जाकर नोन नोन तक ले जा सकते। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है लेकिन आपको ये थोड़ा डिटेलिंग में इसको फिर से मेरी बात को रिमाइंड करके सुनो और समझो तो यू विल अंडरस्टैंड। एक बार वो सामने क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, आप दुनिया की कोई भी कला सीख सकते हो। अब आ जाते हैं इसके बाद वाले टिप पर, दैट इज नंबर सेकेंड टिप, वो है फोकस। आपको अपना फोकस हमेशा बना कर रखना है, आपको अगर कोई चीज़ सीखनी है तो उस पर फोकस बना के रखो। कार चलानी सीखनी है तो जब कार में बैठे हो स्टेयरिंग पकड़ा है तो कार पे फोकस करो, आप पढ़ रहे हो पढ़ने पे फोकस करो। हमारा डाइवर्जन बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा एक ध्यान रहता है मोबाइल की तरफ रहता है ना, तो वो नहीं कर फोकस पे आ जाना है। हमेशा एक चीज़ पर फोकस बना के रखो, उस चीज़ पर महारत हासिल करने में आधे से भी ज़्यादा कम टाइम लगने लगेगा, तो वो फोकस आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब आ जाते हैं नंबर थर्ड टिप पर, दैट इज डायरेक्टनेस। हमें कभी भी चीज़ों को डायरेक्ट लेकर जाना है, अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो भी हम उसको कैसे डायरेक्टनेस में लेके जाए, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। एक बंदा था जिसका नाम था मिस्टर वत्सल, वो इंडिया से कनाडा शिफ्ट होते हैं और उनको बनना था आर्किटेक्ट, कोई डिग्री नहीं थी, पैसे नहीं थे, कैसे आर्किटेक्ट बनेंगे, यूट्यूब की वीडियोज़ देख के हम आर्किटेक्ट नहीं बन सकते क्योंकि उसमें टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है, फील्ड नॉलेज भी चाहिए होती है। तो उस बंदे ने क्या किया ना, एक आर्किटेक्चर फर्म के बाहर एक प्रिंटिंग की शॉप में जॉब कर ली, उसके पास हमेशा आर्किटेक्चर जो कंपनी के उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते थे, डिज़ाइंस आते थे, मैप्स आते थे प्रिंटिंग के लिए, उन्होंने उसको स्टडी करना शुरू किया, देन ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। अब वो नोन अननोन अननोन थे, उन्होंने उस चीज़ को जानने की कोशिश की, थोड़ा बहुत समझा तो नोन अननोन में आए, उसके बाद स्टडी करनी शुरू की, थोड़ा पढ़ा, पैसे जमा किए, उसके बाद उन्होंने उस आर्किटेक्ट बनने के सपने को नोन नोन में तब्दील कर लिया मेरे इस फॉर्मूले के साथ। ये एक एग्जाम्पल था, तो डायरेक्टनेस लाना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं डायरेक्टनेस के बाद नंबर फोर्थ टिप पर, दैट इज ड्रिल। किसी भी चीज़ को करोगे ना तो ड्रिल बहुत ज़रूरी है। ड्रिल क्या होता है, ड्रिल होता है प्रैक्टिस। किसी भी चीज़ को आप बार 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 करोगे ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बच जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कार चलाओगे, कार चलानी आपके पे सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करने लगता है, टेक्निकली ऑटो पायलट हो जाता है। बाइक में भी सेम केस है, पढ़ने में भी सेम केस है, गाने में भी सेम केस है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप की कला में उतनी ज़्यादा महारत हासिल हो जाएगी। सो ड्रिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं रिट्रीवल पर। रिट्रीवल एग्जैक्टली क्या है, रिट्रीवल ये है कि आपको अपने उस टैलेंट को ना दुनिया में टेस्ट भी करना। दुनिया में टेस्ट कैसे करेंगे अपने उस टैलेंट को, दुनिया में टेस्ट करने के लिए आपको अपने उस टैलेंट को दुनिया तक ले जाना पड़ेगा। आप ड्राइंग कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं अच्छा ड्राइंग कर रहा हूँ, आपको नहीं फर्क पड़ेगा, दुनिया में दिखाओ, लोगों को दिखाओ कि ये ऐसी ड्राइंग कर रहा हूँ, इसमें क्या आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। आप कार चला रहे हो तो सड़क पर कार चलाओ, गेम वाली कार चलाओगे तो आप ड्राइवर नहीं बन पाओगे अच्छे,
आप सड़क पे कार चलाओ, लोगों के साथ जैसे आप किसी को बैठ के कार चलाओ, वो आपको बताएंगे कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जज करेंगे थोड़ा सा, बट यू विल लर्न स्लोली ग्रेजुअली। तो अपना जो है मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करने, अपने टैलेंट को स्टैब्लिश करने के लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं नंबर 6 टिप पर, दैट इज़ फीडबैक, जो जुड़ता है हमारे इसके पहले वाले ऑप्शन के साथ। फीडबैक लोग हमेशा नेगेटिव फीडबैक ही भले क्यों ना मिले, लेकिन उससे आपको सीखने को मिलेगा। लोग आपको जज करेंगे कोई बात नहीं, जज हो जाओ, लेकिन आपकी गलतियां जब तक आप लोग नहीं निकालेंगे बताएंगे ना, या खुद आप अपनी गलतियां नहीं निकालोगे ना, फीडबैक नहीं लोगे ना, तो वो महारत हासिल नहीं कर पाओगे, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। यू नीड टू लर्न, अपनी मिस्टेक्स को देखो, अपनी मिस्टेक्स से सीखो, लोगों को अपनी मिस्टेक्स पकड़ने दो। कई बार हम अपनी मिस्टेक खुद नहीं पकड़ पाते, वो फीडबैक हमें बता देता है कि यहाँ तुम गलत कर रहे हो। तो ये हो गया फीडबैक का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं नंबर 7 पर, दैट इज रिटेंटिव। आपको रिटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका रिटेंशन जो है आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। रिटेंशन एग्जैक्टली क्या है? रिटेंशन है किसी भी चीज पर प्रेशर बनाकर उस चीज को निकालना। जैसे कि जिम करते हो, तो अगर आपका मसल जो है ना, आप वेट उठा रहे हो, तो मसल प्लान हो जाता है, मसल अपने आप की वो मेमोरी में बना लेता है कि मुझे कितना वजन उठाऊंगा तभी मेरे अंदर पावर बनेगा। होता है ना, आप पहले 5 kg कर रहे हो तो अगर आपको उतना नहीं समझ में आता है, फिर आप 10 kg कर रहे होते तो आपको हल्का लग रहा होता है, फिर 20 कर रहे होते तो आपको लगता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो नया इंसान होगा उसको 20 बहुत ज़्यादा हैंगी लग रहा होगा, 5 उसके लिए ठीक होगा। तो वही है आपकी मसल मेमोरी, आपको वो जो है वो रिटेंशन आप हमेशा दो। मतलब अगर आप 100 किलोमीटर साइकिल चला रहे हो तो आप 200 किलोमीटर की दौड़ेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 100 मीटर भाग रहे हो ना दो मिनट में या फिर 1 मिनट में, तो उसको कम करने की कोशिश करो, अपने आप को पुश करो। ये रिटेंशन, ये इलास्टिसिटी, आपको पुश करने का जो पावर है, ये रिटेंशन आपकी कला को और ज़्यादा मांझेगा, प्रैक्टिस आपको बढ़ाएगा, और आप अपने एक स्टेप अपने आप को पुश करोगे, तो रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है आपका अपना इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन किसी भी चीज़ को लेकर बहुत सही रहना चाहिए, इंटेंशन सही रहना चाहिए। आप कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं तो वो करने के लिए आपके अंदर से बोलना चाहिए आपको कि मैं ये करना चाहता हूँ। कोई अगर आपको पुश करता है ना कि भाई तुम सिंगिंग सीख लो, तो नहीं कर पाओगे। अगर जब तक आपको खुद सिंगर बनने की चाह नहीं होगी, आपका इंट्यूशन आपको बना के रखना होगा, तभी आप जिंदगी में सक्सेस कर पाओगे। लास्ट आ जाते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। हमेशा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अपने आप में और सीखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लूँ कि 102 का स्क्वायर क्या होता है, 102 का स्क्वायर होता है 10404। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि 52 का स्क्वायर क्या होता है, तो इट इज़ 2704। सो ये लर्निंग से समझ में आता है, अगर आपको भी ऐसी लर्निंग करनी है तो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, चीज़ों को लर्न करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ये ओवरऑल वीडियो अगर आप पढ़ लोगे, मैं समझ सकता हूँ ये सबके लिए नहीं है, इट इज़ लाइक थोड़े एवरेज से ऊपर लोगों के लिए जिनका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके अंदर भी माइंड सेट स्ट्रांग है, अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को थोड़ा पुश करना, नॉर्मल लोगों से, एवरेज लोगों से एक कदम अपने आप को ऊपर लेके जाना, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना और इसको थोड़ा सा स्टडी करो, पढ़ो। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में डालो, मैं दोबारा क्वेश्चन हूँ आपको समझाने की। ये सारे पॉइंटर्स थोड़े टफ है, थोड़े समझने में आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए ना, तो जिंदगी का सामना करने किसी को सीखने में, समझने में और मास्टर बनने में बिल्कुल भी टाइम। दिस इज गाइस, अभी तक बने हुए हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, चाओ।